नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत और संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी के वशिष्ठ। गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी के साथ ही पुलिस बेड़े में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने मुख्य सचिव समेत करीब 103 ब्यूरोक्रेट्स के तबादले किए। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 आईएएस के तबादलों पर रोक लगा दी है। वहीं ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया राजीव स्वरूप ने आज पद संभाल लिया। उन्होंने सीएस का चार्ज लेने के बाद कहा कि कोरोना से बिगड़े आर्थिक हालात के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही मेडिकल सेवाओं को भी पटरी पर लाना है। इससे पहले डीबी गुप्ता ने राजीव स्वरूप को बुके भेंट कर शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने पदभार संभालने के साथ ही आज पहली बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिवों को कोरोना को लेकर कार्य योजना को अमल में लाने के निर्देश दिए। वहीं सरकार ने देर शाम 66 आईपीएस के भी तबादले किए, जिसके मुताबिक बीएल सोनी नए जेल महानिदेशक होंगे। वहीं एमएल लाठर अब महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा होंगे। वहीं जोस मोहन जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। यहां के पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार को बीकानेर रेंज आईजी लगाया गया है। कुल मिलाकर एक दर्जन से ज्यादा जिलों में एसपी बदले गए हैं। कहा जा सकता है कि इस बदलाव के बाद युवाओं को अहम पदों पर लगाया गया है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी शिवप्रकाश पुरोहित। राज्य सरकार ने आज लगातार ब्यूरोक्रेसी में किया बड़ा बदलाव। आईएएस के बाद आईपीएस तबादला सूची की जारी। जोधपुर पुलिस कमिश्नर का भी हुआ तबादला। राज्य सरकार की ओर से आज जारी की गई आईपीएस तबादला सूची में जोस मोहन को जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं आलोक श्रीवास्तव को डीसीपी पश्चिम के पद पर तैनात किया गया है। जोधपुर में कार्यरत डीसीपी पश्चिम प्रीति चंद्रा को पीलवाड़ा एसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार की ओर से कल जारी की गई आईएएस सूची में जोधपुर जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त का भी तबादला किया गया था और अब आज पुलिस कमिश्नर और डीसीपी पश्चिम का तबादला भी किया गया है। अब सोमवार से नई ब्यूरोक्रेसी जोधपुर का कार्यभार संभालेगी। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं धौलपुर से हमारे सहयोगी विनोद तिवारी। जिला पुलिस अधीक्षक मधुल कछावा की ओर से चलाए जा रहे दस्यु मुक्त डांग दस्यु मुक्त बीहड़ अभियान के तहत आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश से 35,000 के इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही उसके कब्जे से 2 पचफेरा और 103 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डकैतों के खिलाफ अभियान के तहत करीबन 50 डकैतों को जेल पहुंचा दिया गया है। डकैतों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज डीएसटी की टीम के साथ विभिन्न थानों की पुलिस ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में दबिश की कार्रवाई की, जिसमें मुरैना जिले के जोरा थाना इलाके स्थित घुगस गांव में दबिश देते हुए पुलिस ने 35,000 रुपये के इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 पचफेरा राइफल और 130 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। एसपी मधुल कछावा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का के मध्य प्रदेश में छिपे होने की जानकारी सामने आई थी, जिस पर डीएसटी प्रभारी सुमन कुमार और स्पेशल ऑपरेशन प्रभारी अमित शर्मा के अलावा दो अन्य टीमों को सीओ सिटी देवी साई मीणा के नेतृत्व में जोरा थाना क्षेत्र में दबिश के लिए भेजा गया था। धर्मेंद्र उर्फ लुक्का प्रदेश की टॉप 10 सूची में 6वें स्थान पर था, जिसकी गिरफ्तारी पर एसपी कछावा ने पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही गिरफ्तारी के बाद धर्मेंद्र उर्फ लुक्का ने कुछ सफेदपोश लोगों पर फरारी के समय संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। इसकी सत्ता को लेकर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। चूरू के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में एडीजे रंजना सर्राफ ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल ये मामला हीरे व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। 3 हीरे व्यापारी सरदार शहर पहुंचे थे, जिसमें इन लोगों से हीरे खरीदने के लिए इन्हें घर बुलाया गया और इनको कॉफ़ी में विषाक्त पदार्थ दे दिया गया, जिसके बाद गाड़ी में बैठाकर गला घोटकर हत्या कर दी गई। दरअसल मामला 25 सितंबर 2010 का है। यहाँ 3 हीरे व्यापारी मुकेश शैलेश सूरज अपने हीरा बेचने के लिए सरदार शहर आए थे। ये होटल में रुके, इनके पास गजानन दलीप और दीनदयाल हीरा खरीदने के लिए पहुँचे। इन तीनों को घर में बुलाया गया, जहाँ काफ़ी में जहर दिया गया। बाद में इनको कार में डालकर सीट बेल्ट से गला घोटकर हत्या कर दी गई। तीनों के शव अलग अलग डाल दिए गए। एक शव सरदार शहर के पुलरासर गाँव के खेतों में मिला था तो 2 शव डूंगरगढ़ तहसील में मिला था। बाद में इनकी शिनाख्त की गई। तीनों जयपुर के हीरा व्यापारी निकले थे।
मामला डूंगरगढ़ थाने में भी दर्ज हुआ था और एक का सरदारशहर थाने में दर्ज हुआ। तीनों की घटना एक ही जगह होने के कारण तीनों की सुनवाई चूरू के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में हुई। इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक अनिश खान ने की। अनिश खान ने बताया कि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रंजना सर्राफ ने इस हत्याकांड में गजानंद सोनी, दिलीप सोनी और दीनदयाल सोनी तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल ये मामला खासा सुर्खियों में रहा था। आखिरकार आज तीनों हीरे व्यापारियों की हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास सुनाया गया। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने एक बार फिर शासन प्रशासन सरकार और जनता के बीच चिंता बढ़ा दी है। तो वहीं अजमेर में आज फिर 17 नए पॉजिटिव मरीज आने के बाद चिंताएं और बढ़ गई हैं। इनमें 2 चिकित्सक, 5 नर्सिंग कर्मी, 1 सिपाही और 1 नगर निगम का कर्मचारी भी शामिल है। आज तीसरे दिन भी लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। आज भी 2 चिकित्सक और 5 नर्सिंग कर्मियों, 1 सिपाही और 1 नगर निगम कर्मचारी सहित 17 पॉजिटिव मरीज सामने आए। तो वहीं दूसरी ओर अजमेर के DRM ऑफिस में भी कोरोना का दस्तक कर्मचारियों के बीच हड़कंप और भय का सबब बना। यहां भी रेलवे चिकित्सकों की टीम ने संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों के नमूने लिए। तो वहीं कल केकड़ी निवासी 64 वर्षीय वृद्ध की कोरोना के चलते मौत हुई थी। लगातार हो रहा मरीजों की संख्या में इजाफा दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। एक ओर कोरोना का बढ़ता खौफ तो दूसरी ओर बाजारों में बेपरवाह होकर घूमते लोगों ने कहीं न कहीं लापरवाही को खुलकर सामने लाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जब चिकित्सक ही इस लाइलाज बीमारी के शिकार हो रहे हैं तो आम लोगों की जागरूकता बढ़ना आवश्यक हो गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अचानक तेजी आना कोरोना के बढ़ते खतरे को भी दिखाई दे रहा है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि होना और लोगों का बेपरवाह होना कहीं ना कहीं कोरोना को खुला निमंत्रण दे रहा है। अब जरूरत है सरकार की गाइडलाइंस का ईमानदारी से किया जाए पालन। रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं डूंगरपुर से हमारे सहयोगी पुनीत। डूंगरपुर जिले में कोविड महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। कल पहली कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद जिला प्रशासन सकते में आ गया है। हालांकि कल कोविड पॉजिटिव महिला की मौत के बाद चिकित्सा प्रशासन की लापरवाही पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि डूंगरपुर जिले में कल एक कोविड पॉजिटिव महिला जो मुंबई से लौटी थी उसकी दौरान इलाज मौत हो गई थी। महिला का इलाज सामान्य ICU में किया जा रहा था जबकि उसे सैंपल लेने के बाद कोविड हॉस्पिटल के आइसोलेशन में भर्ती किया जाना चाहिए था। कायदे का उल्लंघन करने के बाद इस महिला की मौत से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया था। यहां तक कि अस्पताल के कारिंदों में भी इसे लेकर चर्चा बनी हुई थी। आज भी इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। हालांकि अब तक चिकित्सा विभाग ने मामले में किसी तरीके की जांच शुरू नहीं की है और मामले को दबाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि डूंगरपुर जिले में आज भी 4 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और शाम होते होते 9 नई कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने आई। इन 9 कोरोना पॉजिटिव रोगियों में से सावला के 5 हैं जो कल कोविड से मौत के मामले में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। शेष 2 मरीज रीछा गांव के बताए जा रहे हैं, वहीं 2 पिंडावल के हैं। बार बार कोविड पॉजिटिव रोगियों को लेकर चिकित्सा विभाग की लापरवाही पर जिला प्रशासन अब तक सख्त नहीं हुआ है। देखना होगा कि आने वाले समय में भी इस तरीके की गतिविधियां या लापरवाहियां होती रहेंगी या चिकित्सा विभाग इस मामले में कोई सख्ती से कदम उठाएगा। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भंवर SR। बीते महीनों में दर्जनों नवजातों की मौतों के बाद से विवादों में रहा कोटा का जेकेलॉन मातृ शिशु चिकित्सालय एक बार फिर से गलत खबरों को लेकर चर्चाओं में है। आज फिर अस्पताल में एक नवजात की मौत के बाद जमकर के हंगामा हुआ और परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान परिजन यहां तक भड़क गए कि डेड बॉडी को लेकर के थाने जाने पर उतारू हो गए और पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लग गए। हालांकि नयापुरा थाना पुलिस की समझाइश से जैसे तैसे मामला शांत हो गया, लेकिन अस्पताल से आई कल की तस्वीरें और भी झकझोर देने वाली रही।